नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कार फैक्ट्स में। और आज आपके सामने है निसान मैगनाइट। अभी 2024 में इस गाड़ी में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो आज के वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। क्या चेंजेस किए गए हैं, प्राइस स्टार्ट होती है 5,99,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 11,27,000 रुपये। अभी आपके सामने निसान मैगनाइट का बेस मॉडल है और ये ऑन रोड आपको लगभग 6,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। 1758 मिलीमीटर गाड़ी की चौड़ाई है, जिसकी वजह से इसका रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। बीच में लोगो मिल जाता है, ग्रिल दी गई है और ग्रिल के दोनों साइड देखेंगे और नीचे देखेंगे तो क्रोम का यूज किया गया है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया लगता है। रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम का यूज किया गया है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे LED DRL मिल जाता है। इसमें कोई भी फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलती और मैट ब्लैक कलर की स्किड प्लेट दी गई है। पूरा फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो बढ़िया लगता है यार। ऊपर डुअल वाइपर और वॉफर का फिटअप किया गया है। रूफ देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, दोनों साइड सिल्वर कलर की रूफ रेल मिल जाती है। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा साइड का व्यू देखते हैं और इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी लंबी चौड़ी और ऊँची है। 3994 मिलीमीटर गाड़ी की लंबाई है, 1758 मिलीमीटर चौड़ाई है, 1572 मिलीमीटर हाइट है और 2500 मिलीमीटर का मिल जाता है व्हील बेव, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा खासा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। 2 एयरबैग ABS+EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं। 16 इंच का टायर मिल जाता है सिल्वर कलर के स्टील रिम के साथ। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे कोई भी व्हील कवर नहीं मिलता। ऊपर मैट ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी गई है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे ORB हम देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर में है। इसको हाथ से ही फोल्ड और एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल दिए गए हैं और पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाता है। गाड़ी के चारों तरफ आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब एक बार हम इसका पूरा रियर का डिज़ाइन देख लेते हैं। बेस मॉडल है, लेकिन आप देखेंगे ना तो चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे गाड़ी की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, जिससे अगर आप गाड़ी को पीछे से भी देखते हैं तो बहुत बढ़िया लगती है। बीच में लोगो मिल जाता है, ऊपर निशान की बैजिंग है, नीचे यहाँ पर मैगनाइट लिखा हुआ है क्रोम पे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, पहले बेस मॉडल में डिफॉगर और वाइपर रहता था, लेकिन अभी रिमूव कर दिया गया है। ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैंप मिल जाता है और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। तो अभी बेस मॉडल से ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। जैसे पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। रिवर्स पार्किंग लैंप और इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे रियर बम्पर देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग अल्ट्रासोनिक सेंसर दिया है, जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इस गाड़ी में 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। कच्चे रास्तों में भी आप गाड़ी को आसानी से लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए आपको बटन मिल जाती है, जिसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। दोनों साइड LED में नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है। इस गाड़ी का बूट देखेंगे तो यहाँ पे बेस मॉडल में कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती। 336 लीटर का बूट स्पेस दिया है, अच्छा खासा बड़े साइज का है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह रखी हुई है, तो यहाँ पे बस आपको पार्सल ट्रे लगवाने की ज़रूरत है। दोनों साइड ग्रॉसरी हुक मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप सामान भी टांग सकते हैं। सीट को अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं, बूट और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सीट को पूरा ही फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 और 40 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये तो हो गई गाड़ी के पूरे बूट स्पेस की कहानी। अगर आप पीछे का पूरा व्यू देखेंगे तो वाइपर और डिफॉगर रिमूव कर दिया गया है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल और CNG वगैरह में नहीं आती। अब एक बार हम पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे ना तो कहीं से भी आपको बेस मॉडल वाली फीलिंग नहीं आएगी। डोर की ओपनिंग भी देखेंगे तो अच्छी है। गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर का ही दिया गया है। ऊपर लॉक अनलॉक करने के लिए डंडी मिल जाती है। यहाँ पे ओपनर दिया है। पावर विंडो का बटन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर कलर का यूज किया गया है। पीछे फैब्रिक का भी यूज किया गया है। ये चीज़ें देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं और स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। अंदर सीट देखेंगे तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं।
जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सीट देखेंगे तो पूरी तरह से फैब्रिक में है। सीट को लेके तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सीट आपको पूरी तरह से लग्जरी वाली मिलती है, अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। कितनी भी दूरी अगर आप सफ़र करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। और पीछे स्पेस भी देखेंगे तो अच्छा खासा है, क्योंकि ये 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मायने रखता है। यहाँ पे लेग रूम देखेंगे, नी रूम देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पेस को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच में हम्प देखेंगे तो ना के बराबर है, तो अगर कोई बीच में भी बैठेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर कैबिन लाइट मिल जाती है हाइलोजन पे। यहाँ पे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा, पूरी तरह से ड्यूअल टोन पे है, जो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और पीछे आपको कोई भी एसी वगैरह नहीं मिलती, 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये तो हो गई इस गाड़ी के पैसेंजर साइड की पूरी कहानी। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। जैसे डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं, यहाँ पे भी आप डोर की ओपनिंग देखेंगे तो अच्छी है। गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो पीछे वाले डोर की तरह ही दिया गया है, फैब्रिक का यूज किया गया है। यहाँ पे डंडी मिल जाती है लॉक और अनलॉक करने वाली, यहाँ पे ORBM को एडजस्ट करने के लिए ये डंडी मिल जाती है, और फोल्ड भी हाथ से ही करना पड़ेगा। ओपनर मिल जाता है, चारों पावर विंडो के बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो सिल्वर कलर का यूज किया गया है, फैब्रिक का भी यूज किया गया। ये चीज़ें देखने में थोड़ा अच्छी लगती हैं और बेस मॉडल में दी गई हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है और थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। अब एक बार अंदर का पूरा माहौल देखते हैं। जैसे पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो डुअल टोन पे है, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट तो बहुत बढ़िया है, पूरी तरह से फैब्रिक में सीट मिलती है, कम्फर्ट आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। यहाँ पर कितनी भी दूरी आप ड्राइव करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो शोरूम में एक बार विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्लाइन एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है और आगे पीछे कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी देखने में बहुत बढ़िया लगता है, साइड में एसी नोब मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो बीज कलर का यूज किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। नीचे ABC पैडल दिया है, कोई भी डेड पैडल वगैरह नहीं दिया गया है, जगह थोड़ी सी कम है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप सबसे पहले सीट में बैठेंगे ना तो आप फील करेंगे कि सीट का कंफर्ट अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो फ्लैट बॉटम वाला दिया है, थोड़ा सा सिल्वर कलर का भी यूज किया गया है। बीच में लोगो मिल जाता है, दोनों साइड हॉर्न मिल जाता है, और नीचे एयरबैग की बैजिंग दी गई है। और यहाँ पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह का कंट्रोल नहीं मिलता। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, साइड में वाइपर, और इधर पूरा हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। सामने एक क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे सेमी डिजिटल मिल जाता है, दोनों साइड एनालॉग पैनल है, बीच में डिजिटल MID मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको भरपूर मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे, ऊपर AC नोब दिए गए हैं। नीचे देखेंगे तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लगवा सकते हैं। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाते हैं, पूरी तरह से मैनुअल AC मिल जाता है, और इसकी कूलिंग अच्छी है। पीछे AC नहीं दिया गया लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलिंग शानदार है। मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और मोबाइल रखने के लिए नीचे भी जगह दी गई है। इस गाड़ी में आप फील करेंगे कि स्पेस आपको भरपूर मिल जाता है। क्रोम की टिप के साथ हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर के लिए जगह है, पीछे भी एक बॉटल रख सकते हैं पानी की। कोई भी आर्मरेस्ट और AC वगैरह नहीं मिलता पीछे। ऊपर डे नाइट वाला मैनुअल IRBM दिया गया है, कैबिन लाइट मिल जाती है हाइलोजन पे, ये सभी चीज़ें आपको हाइलोजन पे ही देखने को मिलेगी आगे और पीछे। ड्राइवर के ऊपर देखेंगे तो सनवाइजर मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड के ऊपर वैनिटी मिरर दिया गया है, और साइड में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से, बस म्यूजिक सिस्टम लगवाने की ज़रूरत है, और सभी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। यहाँ पे पूरा ही हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया, लेकिन फिट एंड फिनिश क्वालिटी देखेंगे तो अच्छे लेवल की है। डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और इसमें भी आप भरपूर सामान रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बस म्यूजिक सिस्टम लगवाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे बाहर व्हील कवर वगैरह लगवा लीजिए, अंदर म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए। 2 चीज़ें जैसे रिमूव कर दी गई हैं, वाइपर और डिफॉगर,
उसके बाद भी देखेंगे तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है, 6,80,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब एक बार हम इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं। 1.0 लीटर का V4D BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसमें 71 BHP की मैक्सिमम पावर और 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन है, इससे लगभग 19 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है। 6,80,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस में आपको एक गुड लुकिंग SUV मिल रही है, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, फ़ीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। तो आज के वीडियो और ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।